कि आप लोग मेरा प्रवचन सुनना चाहते हैं तो अपने घर में सबके पास मोबाइल है, टच स्क्रीन मोबाइल है, राजू परदेसी भक्ति चैनल, सब लोग खोलिएगा और उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। जिस नारी में संस्कार अच्छा हो, कहते हैं कि एक नारी चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे और एक नारी चाहे तो घर को नर्क बना दे। नारी में बड़ी शक्ति होती, बड़ा पावर होता है, पावर बैंक है ये। अगर नारी संस्कारी है, समझदार है तो घर को स्वर्ग बना देगी। कभी भाई भाई में बंटवारा नहीं होगा, कभी सास बहु में झगड़ा नहीं होगा। आज हमारे समाज की दूसरी समस्या यह है कि अच्छी बहु नहीं मिलती। सही बात ना? क्या होता है, जब बेटा जवान होता है, लड़की खोजना शुरू होता है तो बूढ़ी माता जी सब शिकायत करती है। क्या कहती है? कहती, दीदी जी क्या करे, आजकल कलयुग है, अच्छी बहु कहाँ मिलती। सबको शिकायत है कि आजकल अच्छी बहु नहीं मिलती। ये बताइए कि बहू कोई अमेरिका से आती है कि चीन जापान से आती है? बहू कहां से आती है? बहू विदेश से नहीं आती, बहू आसमान से नहीं आती। बहू बनने की कोई अलग फैक्ट्री ही नहीं है कि है। बहू कहां से बनती है? जो बेटियां बैठी हुई है आपके घर में, जो बेटियां हैं कल वही बहू है। अगर आज अच्छी बेटी बनाइएगा, आप संस्कारवान बेटी बनाइएगा, चरित्रवान बेटी बनाइएगा तो कल वही अच्छी बहु बनेगी। आज बेटियों को संस्कार नहीं दीजिएगा तो कल अच्छी बहु नहीं पाइएगा। पर बेटियों को किसी से शिकायत नहीं, बेटी को किसी से शिकायत नहीं, शिकायत है तो बहु से कि आजकल अच्छी बहु। पर बहुओं को शिकायत है कि आजकल अच्छी सास नहीं मिलती। सास से भी शिकायत है, कहते हैं कि सास कितनी शक्कर हो पर कभी कभी बहू से टक्कर हो ही जाती है, क्योंकि सास बहू का चक्कर ही ऐसा होता है। कितनी सुंदर सास हो पर कभी कभी बहू से हो जाता है, कभी कभी हो जाए कोई बात नहीं। प्यार से बोलिए, मीठा बोलिए। मैं कह रही थी कि चेहरा की सुंदर हो बहू पर स्वभाव सुंदर ना हो, व्यवहार सुंदर ना हो तो वो बहू किसी को सुंदर लगेगी नहीं। इसलिए चेहरा ये कुदरत की देन है। कोई गोरा है तो कोई काला है, कोई लंबा है तो कोई नाटा है, कोई मोटा है तो कोई पतला है। ये कुदरत की देन है, प्रकृति की, इसको बदला नहीं जा सकता। पर स्वभाव को बदल सकते हैं। आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि मैचिंग का जमाना चला है। बहुत महिलाएं हमारी मेला आई हुई है और ढूंढती है कि साड़ी का मैचिंग चूड़ी कहाँ मिलेगा। पीला रंग का साड़ी है तो पीली चूड़ी खरीद के ले जाएंगे मेला से। अगर कोई गुलाबी साड़ी पहन के आया होगा तो मेला से अगर वो चूड़ी खरीदेगी तो वो गुलाबी चूड़ी ढूंढेगी। मैचिंग का जमाना है। और इतना ही नहीं, बिंदी भी मैचिंग होना, ब्लाउज भी मैचिंग होना, सैंडल भी, नेल पेंट भी, लिपस्टिक भी, सारी चीज मैचिंग ढूंढते। सज्जनों, जितना भी आप बाहर से मैचिंग कर लीजिए सिर से लेके पैर तक, पर जब तक अंदर से मन मैच नहीं करेगा तब तक शांति मिलने वाली नहीं है। पति पत्नी का मन मैचिंग होना चाहिए, सास बहू का मन मैचिंग होना चाहिए, देवरानी जेठानी का मन मैचिंग होना चाहिए। मैचिंग साड़ी हो गया, ब्लाउज हो गया, चूड़ी हो गई, सैंडल हो गई, पर पति पत्नी में मन मैच नहीं कर रहा, 36 का आंकड़ा है तो टेंशन तो वहीं बनी रहती है, खुशी नहीं मिल सकती। बहुत आदमी बहुत टेंशन में जीता है। कहते हैं कि आज के इस भौतिक युग में सबके घर में सोफा सेट है, टीवी सेट है, मोबाइल सेट है, डायमंड सेट है। अमीरों के घर में डायमंड सेट है, पर जिसको देखो उसका मूड अपसेट है। हर आदमी मूड अपसेट है, क्या करे, बड़ा टेंशन है। किससे? पत्नी से, किसी को गोतनी से, किसी को पति से, किसी को सास से, तो किसी को बहू से। और ये सब ठीक हो गए तो पड़ोसी से, किसी किसी को ऐसे भी होंगे जिसको पड़ोसी से टेंशन होगा।
हम स्वभाव को सुंदर बनाएं, क्योंकि आज आदमी दुखी है और दुख का कारण क्या है? अभाव नहीं, स्वभाव। हमारे जीवन में दुख है तो दुख का कारण ये नहीं कि खाने को नहीं मिल रहा इसलिए दुखी है, कपड़े नहीं इसलिए दुखी है, कि रहने के लिए मकान नहीं इसलिए दुखी, ना ऐसी बात नहीं। मकान भी है, दुकान भी है, कपड़े भी है, और सरकार पेंशन भी दे रही फिर भी टेंशन का। सरकार पेंशन भी देना शुरू कर दी, वृद्धा पेंशन, तब भी टेंशन का, टेंशन कम नहीं हो रही, टेंशन वही की वही है। संत कहते हैं कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। संत ने कहा कि संसार में सब दुखी है, सब। मुखिया दुखी, सरपंच दुखी, वार्ड सदस्य दुखी, विधायक दुखी, सांसद दुखी, राष्ट्रपति दुखी, सब दुखी। सब का मतलब ये नहीं कि बड़े बड़े पद में जो सुखी होंगे, ना। वार्ड सदस्य सोचता है कि हम कब सरपंच बन जाए, वार्ड सदस्य दुखी है सरपंच बनने के लिए, कब सरपंच बन जाए, और सरपंच सोच रहा है हम कब मुखिया बन जाए। सरपंच सुखी नहीं है, सरपंच सोच रहा है हम कब मुखिया बन जाए, मुखिया सोच रहा है कि हम कब विधायक बन जाए। मुखिया जी भी सुखी नहीं है, वो सोच रहे कब विधायक में नंबर लग जाए। अब विधायक सोच रहा है हम कब सांसद बन जाए, विधायक भी सुखी नहीं है, उसका ध्यान ऊपर की ओर, कब हम सांसद बन जाए। सांसद और कुछ सोच रहा है, अपने अपने पद में कोई सुखी नहीं है। तो संत से लोगों ने प्रश्न किया कि संसार में कोई भी सुखी नहीं, पूरा संसार के लोग दुखी, बिल्कुल पूरा संस्कार। तो बोले संसार में कोई एक भी सुखी नहीं। बोले है, कौन सुखी है? तो संत ने कहा सुखी राम का दास, जो भक्ति में लगा हुआ है, जो सत्संग में लगा हुआ है, जो प्रभु की सेवा में लगा हुआ है, जो ध्यान साधना में लगा हो, जिसने अपनी मन इंद्रियों को जीत लिया हो, जो तृष्णा से मुख मोड़ लिया हो। जब तक तृष्णा है मन में, जब तक इच्छा है, कामना है, तो कोई सुखी नहीं रह सकता। तृष्णा क्या है? जैसे कि आप लोगों ने प्रसंग सुना होगा, जब हनुमान जी सीता का पता लगाने के लिए लंका जाते हैं, तो समुद्र पार करके जाना होता है, तो जैसे ही समुद्र के ऊपर हनुमान जी आते हैं, तो आपने देखा होगा कि उसमें से एक सुरसा नाम की राक्षसनी निकलती है। अब सुरसा का मुंह कितना बड़ा था, जैसे जैसे हनुमान जी बदन बढ़ाते थे, सुरसा भी वैसे वैसे अपना बदन, जैसे जैसे हनुमान जी हार गए कि क्या किया जाए, जितना मैं बदन बढ़ाता हूँ सुरसा तो मुंह उतना ही बढ़ाते जाते। तब ध्यान किया भगवान का कि क्या करे प्रभु, हमारा बदन भी बढ़ते जा रहा है लेकिन सुरसा का मुंह भी बढ़ते जा रहा है, बचने का उपाय बताइए। तो भगवान उनको ध्यान में कहते हैं कि तुम लघु रूप कर लो, बचने का एक ही उपाय, लघु रूप मतलब छोटा रूप। आपने देखा होगा रामचरितमानस में, सीरियल में, रामायण सीरियल में, कि हनुमान जी अपना लघु रूप कर लेते हैं, छोटा रूप। अब सुरसा का रूप तो मुंह तो बहुत बड़ा, तो हनुमान जी उस मुंह में प्रवेश करके निकल जाते हैं, कुशल मंगल बच जाते हैं। इसका मतलब इस तृष्णा रूपी सुरसा से हमको बाहर आना है तो अपनी इच्छाओं को छोटा कर लीजिए। इच्छा तो यहाँ किसी की पूरी नहीं हुई, हम और आपकी छोड़िए, यहाँ पर जो करोड़पति है, अरबपति है, वो भी दुखी है, उसकी इच्छा भी पूरी नहीं हुई। बड़े बड़े राजा हुए, शाह सिकंदर हुए, कहते हैं सिकंदर सबसे बड़ा राजा, पूरे पृथ्वी में राज करना चाहता था, उसकी तृष्णा इतनी ज्यादा थी कि पूरी पृथ्वी में राज करना चाहता था। लेकिन जब अचानक मौत का निमंत्रण आया तो सिकंदर का तो पसीना निकल गया, तो क्या हो गया, हम तो अभी और जीना चाहते थे, अभी 40 वर्ष उम्र, और इतनी जल्दी मौत का निमंत्रण आ गया, पेट में दर्द हुआ, डॉक्टर आए,
राजा ने कहा चाहे जितना धन लग जाए, सोना चांदी सब ले लो, पर मेरा इलाज ठीक से करो, मैं मरना नहीं चाहता। डॉक्टर ने कहा सरकार बिल्कुल इलाज किया जा रहा, पर आपकी बीमारी असाध्य है, ठीक नहीं हो सकती। कहा आधा राज्य ले लो, पर मुझे मरना नहीं, अभी मौत से सबको डर, कोई मरना नहीं चाहता, पर मौत परम सत्य है, जाना ही होगा, सबको जाना है। बहुत चले गए, बहुत जाने को तैयार है, ये प्रकृति का नियम है, जो जन्मा है उसे मरना ही पड़ता। तब सिकंदर ने कहा कि क्या होगा, मेरे सोना चांदी महल राज अटारी रानी का सब छूट जाएंगे। सिकंदर के आंखों से आंसू आने लगे, कितना धन जोड़े हमने, इतनी संपत्ति बनाए, और आज ये आंखों के सामने सब छूट जाएंगे। कहा बिल्कुल सब छूट जाएंगे, इसलिए कहते हैं कि कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके, मुश्किल पड़े जो राह में काम आ सके, ये धन दौलत पुत्र परिवार माल जाल मकान दुकान बेटा बेटी पोता पोती, ये साथ में जाने वाली कमाई नहीं है, ये साथ में जाने वाला धन नहीं, जिसके पीछे सुबह से शाम तक और जन्म से लेकर मृत्यु तक आप पीछे लगे रहते हैं। नींद खुलती है माल जाल दिखता, नींद खुलती है पोता पोती दिखता। नींद खुले और प्रभु का स्मरण हो, ध्यान हो, साधना हो, सुमिरन हो, तो आपका जीवन धन्य हो जाए। आंख खुले और हमें सदगुरु का ध्यान हो जाए, सुमिरन हो जाए, जाप हो जाए, तो आपका जीवन धन्य हो गया। पर ऐसा नहीं होता, नींद खुलती है सीधे हम पहुंचते हैं माल जाल के पास में, दुकान में, पोता पोती के पास। एक घड़ी भी हम भजन नहीं करते, भोजन तो तीन बार करते हैं, पर भजन मनुष्य शरीर मिलता है, कहते हैं बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जे परलोक सवारा। बड़े भाग्य से मनुष्य तन मिलता है और मनुष्य शरीर पाकर हम खाए पिए, दो चार बच्चे पैदा किए, घर दुकान बनाए, शादी विवाह किए, मर गए, क्या हासिल हुआ? भोजन छाजन भय निद्रा मैथुन और मोह, ये छह पशु धर्म, पशु में भी होता मनुष्य में भी होता है, लेकिन पशु का कर्तव्य, मनुष्य का कर्तव्य है कि पशु धर्म से ऊपर जीवन जिए। सिकंदर को बड़ा दुख हुआ, प्राण निकल गए, सब धन धाम छूट गया। जब उसकी डोली सजाई गई हरे हरे बांस की, अमीर हो चाहे गरीब हो, पर दो चीज समान होती, गरीब हो चाहे अमीर, कितना ही गरीब आदमी हो और कितना ही अमीर हो, पर दो चीज समान होती, बराबर होती, कौन सी? जन्म और मृत्यु। अमीर जब जन्म लेता है तो नंगा आता है, और अमीर जब मरता है तो हरे बांस की डोली में ही जाता है, और ढाई गज कपड़ा ही होता है। गरीब और अमीर के साथ दो समानता है, गरीब जन्म ले चाहे अमीर, सिर्फ नंगा ही जन्म लेगा, कोई कपड़ा पहन के नहीं, और मरेगा तो ढाई गज कपड़ा और डोली के साथ ही विदा होगी। इसीलिए एक भजन में कहा गया है, मिट्टी में मिट्टी मिले, पानी में पानी, ढाई गज कपड़ा डोलिया होगी रवानी। कितना अच्छा कहते सन कि मिट्टी में मिट्टी मिले, पानी में पानी, ढाई गज कपड़ा डोलिया होगी रवानी। इतनी सी कहानी हम सबकी, पर इतनी सी कहानी के पीछे जो माया का झमेला वो कितना बड़ा है। सूप नका जैसे, सुरसा जैसे मुंह फाड़ी, ऐसी हमारी तृष्णा इतनी बड़ी हुई है। पर संत कहते हैं कि अपनी इच्छा को छोटा कर लीजिए, अपनी इच्छा को समेट लीजिए, जैसे हनुमान ने अपने रूप को छोटा कर लिया, सुरसा के मुंह से प्रवेश करके बाहर आ गए। जब सिकंदर की डोली निकाली गई शमशान घाट के लिए, शमशान कितना अच्छा नाम, शमशान मतलब जहां पर जाकर सबकी शान सम हो जाए, बराबर हो जाए। अमीर की शान कितनी हो, पर शमशान जहां पर सबकी शान बराबर हो जाए, उसे शमशान घाट कहते हैं। सिकंदर की जब अर्थी निकली
तो उस अर्थी को देखकर एक शायर ने कहा कि इकट्ठे कर जहां के जर सभी मुल्कों के माली थे, सिकंदर जब गया दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे। खाली हाथ कौन जाता? जो जीवन में दान नहीं करता, जो धर्म नहीं करता, जो सत्संग नहीं करता, जो ध्यान नहीं करता, जो सुमिरन नहीं करता, वो इस दुनिया में खाली हाथ जाता। और जिसने भक्ति का खाता खुलवा दिया, दान का खाता जिसका खुल गया, स्टेट बैंक में खाता खुल जाए, देना बैंक में खुल जाए, बैंक ऑफ बड़ौदा में खुल जाए, पंजाब नेशनल बैंक में खुल जाए, सब खाता खुला हो, सब में 5-5 लाख रुपया रखा हो, पर आपके जीवन में भक्ति का खाता नहीं खुला हो, तो आप खाली हाथ ही जाइएगा। क्योंकि स्टेट बैंक का बैंक में रखा रह जाएगा, जो नामिनी रहेगा उस नामिनी को मिल जाएगा कि मेरे मरने के बाद मेरे बेटा, मेरे मरने के बाद मेरी बेटी को मिलना चाहिए, नामिनी को हो जाएगा, आपका नहीं होगा। और जिसने जीवन में भक्ति का खाता खुलवा लिया, उसको ना बेटा बांट सकता, ना बहू, ना बेटी, ना पत्नी, ना भाई, ना माँ बाप, एक खाता ये है। इसलिए दान करना चाहिए, भक्ति का खाता खुलवाना चाहिए, यही असली खाता है। संत कहते हैं कि हम जीवन में ऐसा कर्म करें कि जो साथ में जा सके। कबीर साहब ने कहा है, संत कबीर ने, कि संग चले सोई धन है संतो छूट जाए जग माया, संग चले सो धन है संतो छूट जाए जग माया। जो छूट जाए वो माया है, और जो साथ में चले वो धन है। क्या छूटता है आपसे? पत्नी छूट जाती है, बेटा छूट जाते हैं, ये धन नहीं है, ये माया है, ये तो छूट नहीं है, आज नहीं तो कल छूटना है। बहुत लोग जीते जी छोड़ देते हैं अपने माँ बाप को, होता ना, कितने बेटा बहू अपने सास ससुर को छोड़ देते हैं, और कितने मरने के बाद छोड़ते हैं। इसलिए संत कहते हैं कि दुनिया में जो कुछ मिला है हमको, एक अमानत है, आपकी नहीं है ये अमानत है, दूसरे का है।